हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेम वन कैसे एडिट करते हैं हैंगमैन गेम में। तो यहाँ पे हमें कुछ बताया गया कि आपको इस वर्ड गेस्ट फंक्शन को अपडेट करना है, जैसे कि आप चेक कर पाए कि जो कैरेक्टर यूज़र ने गेस्ट किया है, क्या सीक्रेट वर्ड उन्हीं कैरेक्टर से बन सकता है। अगर हाँ तो आप ट्रू रिटर्न करोगे, नहीं तो फॉल्स। और हमें एंड बताएगी कि ये करने के लिए आप गेट गेस्ट वर्ड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और पॉसिबल सोल्यूशन हमें यह दिया गया है कि इस गेस्ट वर्ड एक फंक्शन है, हमें उसमें एडिट करना है। ये एडिट करना है कि इफ सीक्रेट वर्ड कभी होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो चलो हम पहले ऐसे ही अपना कोड चला कर देखते हैं कि ये हमारा रन कर रहा है कि नहीं। तो टर्मिनल में इसे रन करवा के देखते हैं। तो वेलकम टू द हैंगमैन, हमारा कोड चल रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ लेटर एट लेटर लॉन्ग वर्ड। तो हम ये एक एट लेटर लॉन्ग वर्ड सोच रहा है, तो हमें उसको गेस करना है। जैसे कि हमें हमारे पास अवेलेबल लेटर है ए बी सी डी जेड तक, तो हमने ए कर किया तो ये वर्ड नहीं है, तो इसने हमारी लाइफ कम कर दी। तो हम एल डालकर देखते हैं, तो एल भी नहीं है और के डालकर देखते हैं तो के है। तो के हमारे सीक्रेट वर्ड में है, इसलिए के को इस जगह पे डाल दिया उसे। तो अब हम एन डालकर देखते हैं, तो एन भी आ गया। और आई डालकर देखते हैं तो आई भी आ गया। एस डालकर देखते हैं तो एस भी आ गया। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड हो सकता है काइंडनेस, कि आई एन डी ई ई। तो इसने बोल दिया कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू वॉन, और सॉरी यू लूज द गेम, द वाज काइंडनेस गेम वर्ड वाज। इसने बोल भी दिया कि आपका वर्ड काइंडनेस था और हमें कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जीत गए भी बोल दिया और आप हार भी गए बोल दिया, तो हमें ऐसे टिक करना पड़ेगा। तो हमारा ये रहा कॉन्ग्रेचुलेसन, ये विन ब्रेक होता है। और फिर लास्ट में प्रिंट कर देता है कि सॉरी यू लूज गेम वाज सीक्रेट नंबर ये था। तो हमें ये लूप जब फॉल्स होगा तब ये प्रिंट करवाना है, इसलिए हम इसे इल्स में डाल देते हैं, इल्स में डाल देते हैं और इल्स में इसे प्रिंट करवा देते हैं। इसमें डाल दिया। चलो हम एक बार और खेल कर देखते हैं। तो वेलकम टू द हैंगमैन गेम, ये अभी 10 लेटर लॉन्ग एक वर्ड सोच रहा है, तो हमें उसको गेस करना है। तो पहले हम ए को गेस करते हैं, तो ये उसमें है। तो फिर यू को गेस करते हैं, तो यू भी इसमें तीन जगह पे है। तो और के को गेस करते हैं, तो के भी है। एल को गेस करते हैं, एल भी है। तो लास्ट में कूल आ गया, तो मेरे पास हिसाब से नव गुरुकुल हो सकता है। तो यन डाला, तो यन ए वी जी यू आर नव गुरुकुल। तो इसने प्रिंट कर दिया कॉन्ग्रेचुलेसन यू ओन, मतलब हम जीत गए ये गेम। तो इसने लास्ट में प्रिंट कर दिया कि आप जीत गए यू ओन। तो ऐसे हम इसमें ओन को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें बताया गया था कि हमें इस फंक्शन को एडिट करना है, तो हमें इस फंक्शन को एडिट कर दिया है। और इसने हमें सही आंसर भी जवाब भी दे दिया है कि यू ओन, मतलब हम गेम पूरा खेलने के बाद हम जीत भी गए। तो चलो, थैंक यू।